नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर डिटेल्स ठीक से फीड करी जाए, अपना रजिस्ट्रेशन ठीक से किया जाए, तो आपके पास जॉब्स की लाइन लगेगी, यानी बहुत से जॉब्स का ऑफर आएगा। और आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद भी आपके पास लोकल जॉब्स की इंफॉर्मेशन भेजेगा। हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के जॉब प्रोवाइड करता है। ऊपर आई बटन में ये वीडियो फ्लैश हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको सूट करता है, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह की नौकरी ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसकी हम डिटेल में बात करें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन स्कीम्स का फायदा उठा सकें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। साथियों, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्मी का ही एक एनजीओ है जो सोल्जर्स को रिटायरमेंट के बाद जॉब प्राप्त करने में सहायता करता है। इसमें जो सोल्जर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको वो जानकारी उपलब्ध करवाता है कि किस किस कंपनी में या किस किस ऑफिसेज में कहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और जो एम्प्लॉयर हैं यानी जिनको जरूरत है डिसिप्लिन जवानों की, उन सोल्जर्स की जानकारी उपलब्ध करवाता है। यानी एक तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो भावी एम्प्लॉई हैं उनका जो डाटा है वो अवेलेबल होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेशन वाइज या उनकी जॉब की स्किल वाइज क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं उनका डाटा दिखता है, उसके हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी सहायता ले सकते हैं। कुछ जो जॉब लोकल जॉब होती हैं उनके लिए इंटरव्यू वगैरह का भी अरेंजमेंट आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मेन पार्ट है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, किस किस तरह से इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, कहां कहां पर इसकी प्लेसमेंट सेल्स हैं। तो साथियों, जो आप सामने देख रहे हो ये आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। अगर आप इसमें यहाँ पे हिंदी में क्लिक करते हैं तो ये सारी के सारी वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। इंग्लिश में देखना है तो उसको इंग्लिश में कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगी। तो हम बात करेंगे कि इसके जो मेन जो ऑफिसेज रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं। तो साथियों, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली कैंट में है, और जो इसके ऑफिसेज हैं 18 ऑफिसेज हैं और थ्रू आउट इंडिया मेन मेन सिटीज में लोकेटेड हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं 18 ऑफिसेज हैं, ये सारे स्टेट्स को कवर करते हैं। इसके बाद जो आर्मी प्लेसमेंट सेल्स हैं ये हर मिलिट्री स्टेशन में या हर इंपोर्टेड सिटी में अवेलेबल हैं। देश के 48 जगह आर्मी प्लेसमेंट सेल्स हैं। तो ये सामने इनके सारे के सारे सिटी और एड्रेस वगैरह सब दिए हुए हैं, टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं और ईमेल आईडी भी दिए हुए हैं। अगर कभी इनसे कांटेक्ट करना होता है तो आप टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी पे अपना ईमेल लिख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बात आती है कि इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो साथियों, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो रिटायर्ड सोल्जर करवा सकते हैं और सर्विंग सोल्जर भी जो ऑन वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है यानी करीबन 1.5 या 2 साल पहले, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो विडोज हैं, वीर नारीज हैं या वार विडोज हैं वो करवा सकते हैं, या उनके जो बच्चे हैं वो करवा सकते हैं, और सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स के बच्चे भी करवा सकते हैं, यानी उनको भी इसमें हेल्प मिलती है, सहूलियत मिलती है जॉब की सर्च में। अभी बात आती है कि इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का है वो 3 स्टेप्स हैं। पहले एक यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद जो रेलिवेंट आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करना पड़ता है, और उसके बाद जो पेमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या पेमेंट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल ऑफिस है वहां जाकर के भी कर सकते हैं, या जो प्लेसमेंट सेल है वहां भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसे यूजर आईडी है उसको क्रिएट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं। तो साथियों, इसका जो पेमेंट है वो ऑफिसर्स के लिए 750 है, जेसीओज के लिए 500 रुपया है, ओआर के लिए 300 रुपया है। जो विडोज या वार विडोज हैं उनके लिए कोई चार्जेज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो डिपेंडेंट्स हैं सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स के, उनके लिए जो चार्जेज हैं वो 500 रुपया है। इसका रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद फिर दोबारा से चार्जेज पे करने पड़ते हैं। जो फीस है वो एक बार अगर प्लेसमेंट हो गया तो वो फीस या जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म मान लिया जाता है। तो जो इसका जो सेक्शन है जॉब सीकर सेक्शन, इसमें जाएंगे तो आप नीचे लिखा होगा कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कम रिज्यूमे, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कम रिज्यूमे, इसको क्लिक करने से ये सामने खुल जाता है। इसमें न्यू यूजर क्लिक हियर, इसको प्रेस करने से ये फॉर्म खुलता है। इसमें यूजर आईडी आप कोई भी लिख सकते हैं, अपनी नाम के हिसाब से या कोई भी चीज दे सकते हैं।
वो आपकी परमानेंट यूजर आईडी होगी, उसको याद करके रखना है कहीं लिख करके। उसके बाद पासवर्ड अपना करना है, कोई भी पासवर्ड इसमें दे रखा है, मस्ट एट बी एट लीस्ट 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग। नंबर्स हो सकते हैं 0 से 9 तक, या अपर केस या लोअर केस में ए टू जेड हो सकता है, अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर भी हो सकता है, बट नो स्पेस, और स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें नहीं होंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और उसके बाद आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको आपका यूजर आईडी एक्टिवेट होने का मैसेज मिल जाएगा। साथियों, जब आपकी यूजर आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो लॉगिन करके जाएंगे आप, तो इस तरह से लॉगिन किया तो आपका ये सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि अपलोड रिज्यूमे, आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना होता है, यानी अपना बायोडाटा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सामने रिज्यूमे बिल्डर खुल जाएगा, यानी आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। नीचे एक दिया हुआ है थोड़ा सा, आई वांट टू यूज माय एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड जनरल मैनेजमेंट, इस तरह का अगर आप करते हैं तो ये चीजें आप ऊपर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोफाइल, कि आपने कहाँ कहाँ नौकरी किया, नीचे हेल्प मिलता रहता है, तो ये चीजें आप उसमें भर सकते हैं और सेव करके नेक्स्ट जाएंगे तो ये आपका रिज्यूमे धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा और उसको आप सेव करके अपलोड कर सकते हैं। रिज्यूमे कोई खास बड़ी चीज नहीं है, बायोडाटा है कि अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, यानी आपका नाम नंबर क्या है, कहाँ कहाँ नौकरी किया, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, यानी एक तरह से आदमी के बारे की पूरी कहानी होती है कि अब तक का क्या क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सिविल क्वालिफिकेशन क्या है, आर्मी कोर्सेज या क्लासेज क्या क्या करी हुई है, वो कम्प्लीट डिटेल्स उसके अंदर होती है। जब बायोडाटा आपने तैयार करके पूरा अपलोड कर दिया तो उसके बाद आएगा कि माय रिज्यूमे वाला दिखाए, इसको क्लिक करने से कि आपका रिज्यूमे कैसा है वो आपका पूरा दिखा देगा उसके ऊपर। अब आगे बात आती है अपलोड फोटो, तो इसके अंदर जो फोटो है वो भी स्कैन करके अपलोड करनी पड़ती है। तो ये सारे काम के लिए आप आजकल जो बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, किसी बच्चे की हेल्प ले सकते हैं, या जैसे आपको बताया आप रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं, या आप प्लेसमेंट जो सेल है उसमें जा सकते हैं, वहां पे आपका रिज्यूमे या सब कुछ ये पूरा का पूरा कार्रवाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि माई फोटो, कि मेरा फोटो कैसा दिख रहा है, उसमें कैसा अपलोड हुआ है, वो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है अपलोड वेरिफिकेशन प्रूफ। वेरिफिकेशन प्रूफ क्या होता है, या तो आपका पीपीओ होता है, या जो रिटायरमेंट या डिस्चार्ज ऑर्डर होता है वो होता है, या आपका डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट जैसे कि डिस्चार्ज बुक वगैरह वो होती है, या डिस्चार्ज का वार्निंग ऑर्डर, या आप जो पीपीओ फैमिली के अगेंस्ट में इश्यू होता है कि अगर विडो है तो उसके लिए वो होगा। डिपेंडेंट कार्ड ड्यूली अटेस्टेड, जो डिपेंडेंट कार्ड होता है रिटायर्ड सोल्जर के बच्चे का या सर्विंग सोल्जर के बच्चे का, वो अटेस्ट करके वो अपलोड करना होता है अगर बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप उसमें सामने देख सकते हैं माई वेरिफिकेशन प्रूफ, कि मेरा जो वेरिफिकेशन प्रूफ है वो कैसा दिख रहा है अपलोड होने के बाद। उसके बाद आता है एड प्रोफाइल, यानी प्रोफाइल ऐड करना है, अलाउ यूजर्स टू एडिट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन उसमें भरी है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है वो पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एडिट यूजर आईडी फॉर्म, जो यूजर आईडी फॉर्म है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जॉब ऑन timesjob.com, इसमें भी आपको जो timesjob.com साइट है उसके ऊपर भी आपको हेल्प देता है जॉब को अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, या वहाँ जो जॉब अवेलेबल है उसमें भी अप्लाई करने के लिए। स्पॉन्सरिंग हिस्ट्री, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका नाम कहाँ कहाँ स्पॉन्सर किया गया है नौकरी के लिए, वो हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। साथियों, रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो यहाँ ऊपर दिया हुआ आइकॉन दिया है सर्च जॉब्स, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आइकॉन खुल जाएगा। ये आप तभी देख पाएंगे जब आपका इसमें पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन है वो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप सर्च जॉब्स का कर सकते हैं, वहाँ आपको जॉब्स दिखाई देंगी। अगर आपका जिस सिटी में आपको देखना है, जिस काम के लिए आपको देखना है कि आप कौन सा ड्यूटी कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, मैनेजर कर सकते हैं, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी आपको जॉब सुटेबल लगती है, तो उसमें कौन कौन सी जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो सारी की सारी सामने दिख जाती है। इसके अलावा इसमें इन्फॉर्मेशन आती है जो हॉट जॉब्स होती हैं, कि जो करंटली जॉब्स अवेलेबल हैं और बढ़िया जॉब्स हैं वो इधर इस सेक्शन में हॉट जॉब्स में आती हैं। अगर आप कहीं भी इसमें क्लिक करेंगे तो वो जॉब की क्या क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ जॉब है, क्या क्या है, वो उसमें नजर आती है। इसके अलावा आप बहुत सी चीजें इसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन की देख सकते हैं, जैसे रिज्यूमे राइटिंग टिप्स है, इंटरव्यू हैंडलिंग टिप्स है, सैंपल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है, सक्सेसफुल नेगोशिएशन है, सैंपल रिज्यूम है, और क्रिएट रिज्यूमे बिल्डर है, एक्सक्लूसिव और जेसियोज वार, ये वाली चीज भी देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसके अलावा जैसे आप अगर इसको सारी इन्फॉर्मेशन को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसको हिंदी में चेंज करके आप
इसको पूरा का पूरा हिंदी में दे सकते हैं। कोई इंटरव्यू हैंडलिंग हो गया, रिज्यूमे लेखन टिप्स है, सफल बातचीत है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी चीज आ जाएंगे। तो आप इसमें अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कंप्लीट चीजों को। इसमें दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस फॉर ट्रांजिशन टू सिविल एम्प्लॉयमेंट, असैनिक रोजगार हेतु दिशा निर्देश, कॉर्पोरेट प्रस्तुति है, अध्यक्ष का संदेश है, समाचार पत्र है, इसका विवरणिका है, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जब आप जैसे देखते हैं कोई हॉट जॉब है तो उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो वो जॉब की डिटेल्स निकल जाती है। जैसे एक ये दे रखी है कि वैकेंसी फॉर कपल्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड गर्ल्स हॉस्टल वार्डन, यानी जो एक कपल के लिए है, गर्ल हॉस्टल वार्डन और वहाँ का हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेटर, उसको अगर क्लिक करते हैं तो ये इधर इसमें इसका डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। तो साथियों, इसकी जो साइट है, वेबसाइट है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो xarmynaukri.com है। इसको आप जो ही अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में लिखेंगे तो ये सामने आ जाएगा, या आप जैसे सर्च करेंगे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिख करके सर्च करेंगे तब भी आपके सामने आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। ये बड़ा सारा प्रोसेस आसान है, कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है तो वो किसी बच्चे की हेल्प ले सकते हैं, या जो इनके रीजनल ऑफिस में है वहां जाकर के हेल्प ले सकते हैं, या तो फिर जो नियरेस्ट जो प्लेसमेंट सेल है वहां कर सकते हैं। पर ये जैसे किसी की भी आप हेल्प लेंगे या थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो आराम से इसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब की एक संभावना हो बनती है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो बहुत से लोगों को इसकी जरूरत होती है, उनको पता नहीं होता इन चीजों के बारे में, तो उनकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।